अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवन न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की फतरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गाठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें डॉक्टर गोविंद कामटे आयुर्वेदिक विद्या विशारद बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921। आज तारीख 13 जनवरी 2024 के रोज परभनी के छत्रपति शिवाजी महाराज कॉलेज में आयोजित पदवी प्रदान समारंभ में कुमारी समता पंडित राव टोमके इन्हें कला स्नातक की उपाधि प्रदान की गई। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अलावा प्राचार्य और उप प्राचार्य इनके हाथों समता को कला शाखा की पदवी और नीले रंग की पट्टी देकर सम्मानित किया। इस समय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जिला शाखा की ओर से समता का अभिनंदन किया गया। आने वाले दिनों के लिए भविष्य में पदवी शिक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। नारायण वाघमारे जिला अध्यक्ष रिपाई विजय झोड़पे, शहर जिला अध्यक्ष लक्ष्मीबाई बंसोड़े, महिला आघाड़ी अध्यक्ष संदीपान गालफाड़े, जिला सचिव शांताबाई गायकवाड़, वसंत मस्के, रिपाई शीतल बंसोड़े, जिला पदाधिकारी भगवान वावड़े, जिला पदाधिकारी रिपाई सभी पदाधिकारी और जिले के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नेताओं और पदाधिकारियों ने उसका अभिनंदन करते हुए आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। मकर संक्रांति के त्योहार को लेकर परभनी के गांधी पार्क बाजार में खरीदी के लिए सामग्री आ चुकी है। इसी को देखते हुए मकर संक्रांति पर सुहासिनी एक दूसरे को सुगंध्या के किस्म के देते हैं। इस किस्म में हमें चना, मटर, बेर, गन्ना, गेहूं, तिल, सिक्का होने की देखने को मिलता है। चना, मटर, बेर, गेहूं के छोटे छोटे पौधे इसी दिन में बड़े पैमाने पर उपलब्ध होते हैं। गन्ना, चना, बेर, गेहूं के छोटे छोटे पौधे, तिल, इस सबको मिलाकर एक वाहन बनाकर महिला वर्ग जिस तरीके से एक दूसरे को देते हुए, उसी तरह से पंडरपुर के रुक्मणी को जिस तरह से सवाष्ण महिलाएं मकर संक्रांति के दिन ये वाहन देने के लिए गर्दी करते हैं, उसी को वाहन खरीदने के लिए परभनी के गांधी पार्क इलाके में बाजार गज भरा हुआ दिखाई देता है। इससे यहाँ के बड़े पैमाने पर गर्दी हो जाने से गर्दी का माहौल देखकर जिस तरह त्यौहार आया है ये महसूस होता है। वो आज महिलाओं से गजबज भरता हुआ बाजार दिखाई देने से हमारे न्यूज परभनी महानगर के प्रतिनिधियों ने जाकर वहाँ से उनकी मुलाकात ली। महिलाओं ने क्या कहा, आइए जानते हैं। इतर महिला जमलेल्या आहेत, सामान पण व्यवस्थित देतात, छान सामान देतात वगैरे, हळदी कुंकू हे सामान देण्यासाठी लागणारे साहित्य लागणाऱ्या वस्तू ते एकदम व्यवस्थित देत आहे। मकर संक्रांतीच्या सर्व नागरिकांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देऊ। मकर संक्रांत परवा विषय आहे 14 तारखेला, तर मकर संक्रांतीमुळे आम्ही बाजारामध्ये खरेदी करण्यासाठी आलो होतो। बाजार चांगल्या प्रकारे भरलेला आहे। संक्रांतीचे सामान घेण्यासाठी, वाहन घेण्यासाठी महिला मोठ्या प्रमाणात तिथं आलेली आहे खरेदी करण्यासाठी। मी सुद्धा खरेदी करण्यासाठी आलेलो आहे। बाजारातून भाव बघत असताना की बाजार खूप मोठ्या प्रमाणात भरलेला आहे। महिला खूप मोठ्या संख्येने खरेदी करण्यासाठी आलेल्या आहेत। वाहन महिलांचे सौभाग्याचं देणं असते ते संक्रांत म्हणजे, त्यानिमित्तानं मोठ्या प्रमाणात गर्दी आहे। मी सुद्धा आहे सर्व माझ्यातर्फे सर्व नागरिकांना मकर संक्रांतीचे शुभेच्छा। खूप सर्वांनी तिरमूळ घ्या, भरपूर बोला, धन्यवाद। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दिगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिस प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, जेलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू, बालों का झड़ना वो डेंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे, पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए, चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। डॉक्टर गोविंद कामटे को आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समूचे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के हर जिले में आयुर्वेदिक के माध्यम से और अन्य राज्यों में भी गरीब लोगों के आयुर्वेदिक माध्यम से गंभीर बीमारियों से मुक्ति दिलाने के लिए डॉक्टर गोविंद कामटे इन्हें प्रभावती नगरी आयुर्वेदिक डॉक्टर सेवा रत्न पुरस्कार
2024 का अवार्ड देकर उन्हें सम्मानित किया गया। रामकृष्ण हरि मित्र मंडल संचालित वीर वारकरी सेवा संघ महाराष्ट्र प्रणीत राष्ट्रजन फाउंडेशन परभणी आयोजक और संस्थापक अध्यक्ष गो सेवक नितिन राज जाधव गोगलगांवकर सामाजिक संगठन की ओर से परभणी में भगवा चौक रामकृष्ण नगर में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश भुमरे, आकाश लोहट पाटिल, आशीष वाकोड़कर, पूर्व महापौर कमल किशोर जी अग्रवाल और पवन निकम, शिवलिंग अप्पा खापरे, नारायण चट्टे, एच पी गोविंद पौंडे गुरुजी, पदास वाकोड़े, चित्रकार महेश स्वामी, पत्रकार प्रमोद अंबोरे, शेख सरफराज भाई, वार्ड नंबर 15 के पूर्व नगर सेवक मंगलताई मुदगलकर, प्रशांत सांगले और संभाजी तारीव, एच पी पुरुषोत्तम महाराज झाड़गांवकर, प्रोफेसर अमोल तम गौतम सर और अन्य मान्यगण इस समय हाजिर थे। डॉक्टर गोविंद कामटे इन्हें इस आयुर्वेदा रत्न पुरस्कार सम्मानित किए जाने पर उनके परिजनों ने और उनके दोस्त मित्र जनों ने डॉक्टर गोविंद कामटे को अभिनंदन और शुभकामनाएं दी है। कुछ युवक परभणी के नवामुंडा पुलिस थाने में शिकायत लेकर पहुंचे, उसी समय वहां के PI सुभाष अनमुलवार इन्होंने उन युवकों को शिकायतकर्ता को ही गाली गलौज करते हुए मारपीट करने की घटना तारीख 12 जनवरी 2023 के रात 10:30 बजे के दरमियान हुई है। उसके बाद शिकायतकर्ताओं ने कुछ युवक मिलकर ये SP ऑफिस पहुंचे और उन्होंने SP ऑफिस के सामने ही रात 11 बजे PI अनमुलवार इनके निलंबन करने की मांग करते हुए वो शराब पिए हुए रहते हुए जानकारी दी है। शिकायतकर्ताओं ने PI अनमुलवार की मेडिकल जांच की जाए और उन पर उचित कार्रवाई करने की मांग को लेकर SP ऑफिस के सामने ठिया आंदोलन किया। इस बारे में मिली जानकारी यह है कि परभणी शहर के उगड़ा महादेव इलाके में कुछ युवक बेकरी के सामान खरीदने के लिए गए हुए थे। उन युवकों के साथ बेकरी के मालिक और खरीदारों में दोनों युवकों में बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद पीटा हुआ युवक नवामुंडा पुलिस थाने पहुंचा। समय नवामुंडा पुलिस थाने के PI सुभाष अनमुलवार ने उसकी शिकायत न लेते हुए उसके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया। इस घटना के बाद शिकायत करने वाला वो युवक अपने साथियों के साथ परभणी के SP ऑफिस पर पहुंच गए। करीबन 100 युवकों द्वारा SP ऑफिस के सामने ठिया आंदोलन करते हुए परभणी के जिला कर्तव्याध्यक्ष SP राक्षसुधार मैडम इनसे मुलाकात करने की विनती करते हुए PI अनमुलवार इन पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर और PI अनमुलवार इन पर तकरार देने के लिए आए हुए युवकों को मारपीट करते हुए गाली गलौज करने के मामले में इनको निलंबित करने की कार्रवाई की मांग की गई। उसी तरह PI अनमुलवार ये शराब पीकर अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, ऐसी जानकारी देते हुए उनकी मेडिकल की जाए, ऐसी मांग इस समय युवकों ने की। रात के 11 बजे के दरमियान SP ऑफिस के सामने बड़े पैमाने पर भीड़ जमा हो जाने से इस घटना की जानकारी करते अध्यक्ष जिला SP राक्षसुधार मैडम को बताई गई। उन्होंने तुरंत इस घटना को समझते हुए नवामुंडा पुलिस थाने की ओर बुलाकर उनकी तकरार लेने की बात कही। अमित भालेराव और कृष्णा शिंदे इन दोनों ने PI अनमुलवार इनके खिलाफ तकरार अर्ज देने के बाद माहौल शांत होता हुआ नजर आया। PI अनमुलवार इनके दूसरे दिन भी इस मेडिकल को लेकर चर्चा का माहौल बना रहा। परभणी जिले के कर्तव्याध्यक्ष SP राग सुधार मैडम इनकी ओर इंसाफ के लिए सभी की निगाहें लगी हुई है। वंचित बहुजन आघाडी जिल्हा संघटक अशोक आहेवळ, आज काहीतरी मुलामुलाचे भांडण झालेले होते आणि येथील मोंढ्यातली PSI अनमुलवार हे कधीही कोणाची फिर्यादीला कधीही दमदाटी करत राहतात आणि 24 तास हे असं आमच्या निदर्शनास कधी कधी येते की दारू पिले येतात आणि दारू पिलेलाच माणूस असा बोलत असतो आणि आत्ता देखील त्यांनी दारू पिलेली असावी असा आमचा संशय आहे। त्यांची आत्ता मेडिकल करण्यात यावं ही अशी प्रमुख मागणी वंचित बहुजन आघाडी जिल्हा शाखा परभणी यांच्या वतीने करण्यात येत आहे। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमान मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना, हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, BP की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आंख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी, खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर से चौक रोड बैरागी कॉलोनी तुलसीपुर जनपद बलरामपुर UP। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता
23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड आजम चौक से आगे तवक्कल मेडिकल के करीब परभनी महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें, मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। लाल बावटा वाहन चालक मालक संगठन महाराष्ट्र राज्य इनकी ओर से आज तारीख 13 जनवरी 2023 शनिवार के रोज चरणबद्ध कार्यक्रम करते हुए आज परभनी के अंशन मैदान पर जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया गया और उसी के साथ साथ जिला कलेक्टर द्वारा केंद्र के गृह मंत्री और महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री इन्हें विविध मांगों का निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि हिट एंड रन कानून और आरटीओ में हो रही धांधलियों के खिलाफ में 11 जनवरी के रोज उन्होंने बेमुद्दत धरना आंदोलन किया था, उसी के चरण में लेकर आज 13 जनवरी के रोज किया गया है। इसी के साथ साथ 15 जनवरी के रोज वो समूचे जिले के प्रमुख रास्तों पर चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा। इस निवेदन पर कांग्रेस राजन सिरसागर, सैयद अजहर, वहीद खान, संदीप सोलंके, सिराज खान, शेख यूनुस आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। तो मैं सैयद अजहर, इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। लाल बावटा वाहन चालक मालक संगठन के तरफ से 2 जनवरी को एक बड़े पैमाने पे हमने यहाँ एक धरना दिया था और सरकार को साथ में चेतावनी दिए थे, सरकार को एक आह्वान दिए थे कि अगर तुम आने वाले समय में ये कानून में बदलाव नहीं लेकर आए या कानून पीछे नहीं लिए तो हम आंदोलन करेंगे। पिछले 10 तारीख से हमारा ये धरने आंदोलन चालू है और बड़ी तादाद में ड्राइवर साथियाँ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अभी तक के प्रशासन के तरफ से, सरकार के तरफ से इसमें कोई दखल नहीं लिया गया। इसलिए हम आने वाले 15 तारीख को चक्का जाम आंदोलन एक बड़े पैमाने पे, एक बड़ी तादाद में चक्का जाम आंदोलन करने जा रहे हैं। सरकार को अगर इस आंदोलन को अगर रोकना है या इसके अंदर अगर सरकार को हमारे साथ में बातचीत करना है तो 15 तारीख से पहले हमारे साथ आके चर्चा करें या इस कानून में कुछ बदलाव लेकर आए, नहीं तो इसमें जो भी कायदा व्यवस्था में जो भी बिगाड़ होगा उसकी जिम्मेदार सरकार और प्रशासन रहेंगे। सभी परभनी के चालक और मालक को मेरा आह्वान है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग आने वाले 15 तारीख को आप सब लोग परभनी जिले के इस शहर के अंदर आइए। अपन शहर का एक प्रमुख रास्ता है, वहाँ पर हम चक्का जाम आंदोलन करने वाले हैं। आप सभी वाहन चालकों से मेरी विनंती है कि आप इस चक्का जाम में शामिल हो और इस काले कानून का विरोध करो। आयुष्मान भारत योजना में कुछ त्रुटियां हैं, उन्हें दूर करने की दिशा में जरूर कार्रवाई की जाएगी। अंतिम व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे, ऐसी जानकारी ओम प्रकाश शेट्टे द्वारा दी गई। 11 जनवरी गुरुवार के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस में डॉक्टर शेट्टे, इन्होंने आयुष्मान भारत और महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के संबंध में एक समीक्षा बैठक ली। इस समय परभनी जिले के कलेक्टर रघुनाथ गावड़े, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राहुल गीते, जिला सर्जन नागेश लखमावार ये हाजिर थे। समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने संवाददाता सम्मेलन लेते हुए संवाददाताओं से जानकारी देते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीच्याबद्दल काम करत असताना प्रत्येक ठिकाणी भौगोलिक अडचणी, लोकांच्या आणि रुग्णालयांच्या अडचणी, तसेच गव्हर्नमेंटचं इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यामार्फत सगळ्या आढावा बैठक आम्ही इथं लावली। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत राज्यातली जी बालकं आहेत त्यांची काम करण्यासाठी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम म्हणून आमचा आहे, त्याची आढावा बैठक आज इथं लावली। आयुष्मान भारतचे कार्ड जनरेशन करण्यासाठी जी काही यंत्रणा आम्हाला काम करायची, CSC सेंटरचे प्रतिनिधी तो उपलब्ध नव्हते, त्यांच्यावरती सक्तीनं कारवाई करण्यासाठी मी आग्रही आणि ते माननीय कलेक्टर महोदय त्यांच्यावरती कारवाई करणार आहेत। पहिला असा जिल्हा आहे की जिथं CSC सेंटरचा प्रतिनिधी उपलब्ध नव्हता, CSC सेंटरच्या प्रतिनिधींची अनुपलब्धता, त्यांचा अनुत्साह या गोष्टीमुळे इथं कार्ड जनरेशनमधला प्रॉब्लेम आहे। बाकी जिल्हा आरोग्य यंत्रणा, जिल्हा परिषद यंत्रणा, जिल्हा प्रशासन यंत्रणा म्हणजे कलेक्टर ऑफिस वगैरे सगळे उत्सुक आहेत, महानगरपालिका उत्सुक आहे, सगळ्यांना काम करायचं आहे। एक दिलाने काम करण्यासाठी CS साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली ही आम्ही कमिटी फॉर्म केली। आमचे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर NJPGY आणि आयुष्मानचे यांना देखील त्या कमिटीवर घेतलं आहे। महानगरपालिकेचा सदस्य, जिल्हा पुरवठा अधिकारी हे सगळ्यांची एकत्रित कमिटी करून आयुष्मानचे कार्ड 100% जनरेट करण्याचा उद्देश आम्ही इथं ठेवलेला आहे। मला वाटते परभणीकर त्यांना खूप चांगला भरमसाठ प्रतिसाद देतील। CSC सेंटर या पुढच्या काळामध्ये जर त्यांनी काम नाही केलं तर टर्मिनेट करायचे, निलंबित करण्याचे अधिकार माननीय कलेक्टर महोदयांना ते करणार आहेत। त्यामुळं त्या काळामध्ये
महात्मा ज्योतिबा फुले आणि आयुष्मान ही एकत्र योजना 28 जुलै 2023 जी आर आहे। त्या जी आरची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यामध्ये मी दौरा करत आहे। आज परभणीमध्ये आहे, आता हिंगोलीमध्ये, परत वाशिममध्ये, नांदेड, अशा पद्धतीने हा दौरा आहे। आणि मागच्या याच्यामध्ये 8 जिल्ह्याला मी जाऊन आलो आहे, त्यामुळे सगळ्या ठिकाणी जिल्ह्यातले दौरे जाऊन त्या ठिकाणच्या अडीअडचणी कागदावरती आणून बऱ्याचशा रुग्णालयांच्या तक्रारी होत्या की हे पॅकेज अपग्रेड केले पाहिजेत, त्यामुळं आम्हाला पैसे घ्यावं लागतात लोकांकडनं आणि ती ग्रीव्हन्स होते। ही कुठली चांगली बाब नाही की लोकांकडून पैसे वसूल करणं। सरकार आणि खाजगी रुग्णालय एकत्रित समन्वय करण्यासाठी मी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे तज्ज्ञ डॉक्टरची, त्यामुळे चांगला त्याच्यामध्ये समितीचा 1 ते 1.5 महिन्यामध्ये अहवाल येईल। 2 महिन्यामध्ये आयुष्मान भारत ही योजना संपूर्ण भारतामध्ये महाराष्ट्र नंबर 1 असेल। ती इच्छा त्याच्यामध्ये एक पत्रकार महोदयाने प्रश्न विचारला की ज्या पेशंटला ॲक्सिडंट होतो त्यांची हेटाळणी होते, बरेचसे रुग्णालय 2-3 लाख रुपये घेतल्याशिवाय, 1 लाख रुपये घेतल्याशिवाय, 5 हजार रुपये घेतल्याशिवाय ॲडमिट करत नाही, ही वस्तुस्थिती होती। म्हणून त्या योजनेमध्ये खास क्लॉज करून 1 लाख रुपयाची तरतूद ॲक्सिडेंटल केसला केली आहे। त्यासाठी फक्त केवळ जिओ टॅगिंगचा फोटो आणि आधार कार्ड एवढ्याच गोष्टी आपण हे केल्यात, त्यामुळे पेपरवर्क त्याच्यामध्ये यूज नाही आहे। तो राज्याबाहेरचा पेशंट असू द्या, देशाबाहेरचा असू द्या, महाराष्ट्रातला असू द्या, कारण त्याचा ॲक्सिडंट ह्या ठिकाणी झाल्याच्यानंतर ती आपली सरकारची जबाबदारी असते की त्याला आपल्याला उपचार होतं। 1 लाख रुपये तरतूद आम्ही अनयुटिलाइज पॅकेज आहेत ते आपण हे केले आहेत। 131 योजना जे एक जे आहेत, समजा हर्निया आहे, अपेंडिक्स आहे, सीझर आहे किंवा हिस्टोस्टॉमी वगैरे सगळ्या गोष्टी ह्या कोविडच्या काळामध्ये खाजगी रुग्णालयाला दिल्या होत्या, आता ते परत गव्हर्नमेंटच्या हॉस्पिटलकडे आहेत। तर आज सगळ्या खाजगी रुग्णालयांनी ती मागणी केली की त्या योजना आम्हाला देखील देण्यात याव्या, तर मीही त्याच्यासाठी सकारात्मक आहे की रुग्णांचा तो फंडामेंटल राईट आहे की त्यांनी गव्हर्नमेंटच्या हॉस्पिटलमध्ये जायचं का प्रायव्हेटमध्ये जायचं, चाहे डिलिव्हरी असो, सीझर असो किंवा काय असो, जिथं त्यांना वाटतं त्या ठिकाणी जायला पाहिजे, त्या ठिकाणी सगळ्या योजना मिळायला पाहिजे। हमारा न्यूज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।